जिस तरीके से आज मौसम ने करवट बदल ली और हवाएं भी तेज चलने लगी और बारिशें भी काफी ज्यादा जोर से होने लगी, तो उसी के साथ साथ डल लेक की बात करें तो जो टूरिस्ट और लोकल्स शिकारा में थे उन्हें वहां से इवैक्यूएट किया गया है, क्योंकि काफी तेज हवाओं की वजह से वहां पर हवाओं की वजह से माहौल थोड़ा खराब हुआ था, क्योंकि बारिश बारिश भी तेजी से चल रही थी और हवाओं की वजह से वहां पर जो हाउस बोट्स है वो काफी ज्यादा हिलने लगी थी। आप देख सकते कि हमारा कैमरा पर्सन जो है वो आपको पूरे तरीके से दिखाएगा कि अभी डल लेक में किस तरीके की सिचुएशन है। वहां से टूरिस्ट को भी इवैक्यूएट किया गया है और लोकल्स को भी वहां से निकाला गया है और उन्हें सेफ जगहों पर पहुंचा दिया गया है। मौसम की बात करेंगे तो 16 से 18 मई तक मौसम जो है खराब रहने का इम्कान था, बारिशों का सिलसिला जो है जारी रहने का इम्कान था, लेकिन 16 मई को बारिशें नहीं हुई, मौसम खुशगवार रहा। लेकिन आज अगर बात करें 17 मई की, तो 17 मई को मौसम ने अचानक से शाम के वक्त करवट बदल ली और काफी ज्यादा बारिशें भी होने लगी, और अभी भी श्रीनगर के कई सारे इलाकों में बारिशें हो रही है। और अभी जो है डल लेक में, आप अभी जो विजुअल देख रहे थे वो डल लेक के थे, और वहां पर टूरिस्ट को और लोकल्स को इवैक्यूएट कर लिया गया है, क्योंकि वहां पर जो बारिशों और तेज हवाओं की वजह से काफी माहौल जो है खराब हुआ था, क्योंकि वहां पर हवाओं की वजह से जो हाउस बोट है वो काफी ज्यादा हिलने लगी थी और टूरिस्ट काफी ज्यादा घबराए हुए भी थे। और वहां पर एक टीम पहुंची जिन्होंने वहां पर टूरिस्ट को भी और साथ ही में वहां के जो लोकल्स हैं जो शिकारा में रहते हैं उनको वहां से इवैक्यूएट कर लिया गया है। काफी सारा डैमेज जो है कई सारे इलाकों से भी है, और अभी जो अपडेट आ रही है वो नॉर्थ कश्मीर के कई सारे डिस्ट्रिक्ट से आ रही है, वहां पर भी कई सारे इलाकों में काफी सारा इस विंड और बारिश की वजह से डैमेज हुआ है। तो हमारे साथ जो है वापस से हम आपको जो है कोशिश करेंगे आपको लाइव विजुअल्स दिखाने की डल से, कि वहां पर इन्हीं शिकारों में अभी टूरिस्ट की बात करें तो इस महीने तो काफी सारे टूरिस्ट जो है वारद हुए थे कश्मीर, और काफी अच्छा मौसम भी रहा था जिस वजह से टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे थे। गर्मी की शदीद लहर भी थी, लेकिन उसी के साथ शाम के वक्त जब मौसम अपनी करवट बदल लेता था तो लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती थी और कहीं ज्यादा जो है राहत मिल जाती थी लोगों को। लेकिन उसी के साथ काफी तेज हवाओं के साथ साथ बारिश जब होती है तो इसमें काफी खतरा भी होता है, इसलिए टूरिस्ट को भी इवैक्यूएट किया गया है और साथ ही में वहां से लोकल्स को भी इवैक्यूएट कर लिया गया है। और कई सारे इलाकों से हमें अपडेट आ रही है कि कई सारे इलाकों में डैमेज भी कई सारा हो गया। हमारे साथ काफी सारे व्यूवर्स भी है, आप अब जरूर हमें अपडेट कीजिएगा कि किन इलाकों में जो है डैमेज हुआ है, किन इलाकों में कौन सी अभी सूरत हाल है। इससे पहले भी हमने आपको वेदर अपडेट से आगाह कराया था और कई सारे इलाकों से हमें कमेंट्स भी आए थे कि किन किन इलाकों में अभी बारिश हो रही है, किन इलाकों में जो अभी हवाएं चल रही है। तो अभी जो है आप विजुअल्स में डल लेक को देख रहे हैं जहां से अभी कुछ देर पहले टूरिस्ट को और लोकल्स को इवैक्यूएट कर लिया गया है, क्योंकि तेज हवाओं की वजह से इनमें काफी ज्यादा खतरा भी होता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा पानी में होते हैं और ये काफी ज्यादा हिलती भी है, इसमें पानी में जाने का खतरा होता है। और देख सकते हैं कि आप अभी भी बारिश जो है लगातार हो रही है श्रीनगर के इलाके में, और डल लेक की हम बात करें तो वहां पर भी आप देख सकते हैं अभी की बारिश अभी लगातार हो रही है। हमारे साथ यहाँ पे काफी व्यूवर्स भी है जो हमें कमेंट कर रहे हैं, चारडोरा में तो ऑलरेडी हमने वो ले लिया है, तो हम डैमेज की बात कर रहे हैं कहाँ पर कितना डैमेज हुआ है, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर से हमें कई खबरें आ रही है कि वहां पर इन हवाओं की वजह से काफी सारा डैमेज भी हुआ है। तो बारिशों का सिलसिला तो ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया गया था कि 16 मई से 18 मई तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन 16 मई को मौसम खुशगवार रहा, लेकिन उसी के साथ आज की बात करें शाम से मौसम ने अपनी करवट बदल ली। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि अपनी जो शिकाराज हैं इनको कैसे बंद रखा जा रहा है, क्योंकि हवाओं की वजह से जो शिकारा है काफी ज्यादा खतरा हो जाता है इनमें, क्योंकि पानी के बीचों बीच भी होती है। और इस आप देख सकते हैं कि एक टीम तश्कील की गई थी और वहां से टूरिस्ट को और लोकल्स को इवैक्यूएट कर लिया गया था, और कई सारे इलाकों से खबर आ रही है कि कई सारे इलाकों से जो है इस हवाओं की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इससे पहले भी कई सारे हवाएं, इससे पहले भी कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले की हम बात करेंगे, कई ऐसी ही हवाएं तेज चलने लगी थी और इसी तरीके से बारिश भी थी और कई सारे इलाकों में जो है छतें उड़ गई थी और कई सारा डैमेज भी हुआ था, नुकसान भी बहुत सारा पहुंचा था। उसी के साथ आज भी जो है
काफी सारा नुकसान पहुंचा है। और डल लेक की बात करें तो वहां से अभी सेफ है, टूरिस्ट भी सेफ है और लोकल्स भी वहां से सेफ वहां से निकाले गए हैं और उन्हें सेफ जगहों पर मुंतकिल किया गया है। और जो आप अभी तक विजुअल्स देख रहे थे, डल लेक के देख रहे थे, अभी जो वहां पर हालात है बिल्कुल नॉर्मल है और टूरिस्ट थोड़ा सा घबरा भी गए थे, लेकिन अभी उनको इवैक्यूएट कर लिया गया है, उन्हें सेफर जगहों पर ले जाया गया है और वहां से लोकल्स को भी निकाला गया है। तो आप हमें जरूर कमेंट में बता दीजिएगा कि कहाँ से कितना डैमेज हुआ है, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर से ज्यादा खबरें आ रही है कि काफी सारा डैमेज हुआ है। अभी के लिए जेके न्यूज पॉइंट में इतना ही अपडेट। आगे जेके न्यूज पॉइंट देखते रहिए, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।